hello, my lovely children, how are you all? i hope you're helen hearty. and today, we are going to discuss one of the most loved stories by an irish playwright, oscar wilde, and also one of my favorite stories by oscar wilde. my favorite chapter, you can say in class 9th, the happy prince, written by, as i have already told you, oscar wilde, an irish writer. the happy prince. बच्चों ये स्टोरी इतनी अच्छी है इतनी प्यारी है मेरी फेवरेट है कि मैं जब भी इस स्टोरी को पढ़ाती हूँ क्लास के अंदर या जब मैं तुम्हारे लिए प्रिपेयर भी कर रही थी वीडियो आई लिटरली क्राइड मैं हमेशा रोती हूँ नाम तो है हैप्पी प्रिंस लेकिन वास्तव में दिस स्टोरी इज़ डैम हार्ट टचिंग दैट इट रियली टचिज़ योर हार्ट एंड इट मेक्स यू क्राई अगर आप सच में इस कहानी को इन्जॉय करेंगे मेरे साथ वर्ड बाय वर्ड आई एम श्योर कि आप भी ज़रूर रोएंगे तो इतनी प्यारी स्टोरी है तो चलिए शुरू करते हैं द हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड विद मी पूजा शर्मा लेक्चर इन इंग्लिश गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला ब्लॉक बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट झज्जर सो दिस इज द राइटर चिल्ड्रन ऑस्कर वाइल्ड एंड आयरिश राइटर एंड प्ले राइट द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टेचू तो बच्चा जो हैप्पी प्रिंस हैप्पी मींस खुश प्रिंस मींस राजकुमार तो एक ऐसे राजकुमार की कहानी है जो बहुत खुश है और वो हैप्पी प्रिंस कौन है इट इज स्टैचू क्या होता है a figure of a person in stone. तुम कह सकते हो मूर्ति तो हैप्पी प्रिंस के बच्चों एक मूर्ति है एक स्टैचू है ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड जो कि सोने का बना हुआ है सोने से कवर किया हुआ है ही हैड सफाय फॉर हिज आईज बच्चों उसकी आंखों में सफायर्स लगे हैं

वो छोड़ना चाहता है गिव अप देना चाहता है अपने सारे गोल्ड को और अपने सारे प्रेशियस स्टोन्स को कीमती पत्थरों को जो कि है नीलम और रूबी क्यों देना चाहता है आखिर तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी और इंजॉय करते हैं वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स इन क्लास नाइन द हैप्पी प्रिंस हाई city, on ऑन tall टॉल कॉलम the द of ऑफ द हैप्पी प्रिंस हाई the city, शहर के अंदर ऊंचे एक लंबे से कॉलम मतलब स्तंभ के ऊपर बेस के ऊपर स्टूड खड़ा है स्टेचू मूर्ति किसकी प्रिंस की आप देख सकते हैं पिक्चर में कुछ इस तरह से ही वॉज गिल्स ऑफ फाइन गोल्ड बच्चों वो गिल्डेड कवर्ड है पूरी तरह से थिन लीव्स पतली पतली परतें शुद्ध सोने की वहां पर लगी हुई हैं For eyes, he had two bright sapphires. उसकी आंखों की जगह दो चमकते हुए नीलम रत्न है एंड लार्ज रूबी ग्लोड और एक लाल रंग की रूबी जो माणिक होता है वो चमक रहा तलवार के हिल्ट के ऊपर हैंडल के ऊपर आप देख सकते हैं रूबी चमकता हुआ आपको दिखाई दे गया ये देखिए ब्लू वाला है बच्चों सफायर नीलम और रूबी रेड कलर वाली है वन नाइट देअ फ्लू ओवर दिटी अ लिटल स्वालो बच्चों सवालों देखिए अब आप बिल हिंदी में हम कहेंगे इसको पक्षी अब आप बिल मैं सवालों ही यूज़ करूंगी आप बस देख लीजिए इस तरह का होता है तो एक सवालो थी एक नाइट को आकाश के ऊपर से उड़ रही थी उस शहर के ऊपर से हिज फ्रेंड्स हैड गोन अवे टू इजिप्त इजिप्त हिंदी में हम कहते हैं मिस्र देश ठीक है तो इजिप्त ने उसके जो बाकी दोस्त थे बाकी सवालोस थे वो जा चुके थे छः हफ्ते पहले ही

he said i hope the town has made preparations मैं आशा करता हूँ इस नगर ने तैयारियां कर रखी होगी then he saw the statue of the tall column और बच्चों फिर उसे दिखाई दिया टॉल कॉलम लंबे से बेस के ऊपर स्तंभ के ऊपर खड़ा हैप्पी प्रिंस का स्टैचू हैप्पी प्रिंस की मूर्ति i will put up there he cried वो चिल्लाया अरे मैं वहां रह सकता हूँ. उस उसटेू के पास इट इज अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर बड़ा ऊंचा है वो मुझे अच्छी इनफ मात्रा में बढ़िया सी हवा मिलेगी फ्रेश सो ही अलाइटेड अलाइटेड केम डाउन उतरा जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास वो उतर गया आई हैव अ गोल्डन बेडरूम ही सेड अरे आज तो मेरा सोने का बेडरूम है सॉफ्टली फी टू हिमसेल्फ एज ही अराउंड आस पास देखते हुए एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप बट जस्ट

क्यूरियस बात है कितनी स्ट्रेंज अजीब बात है कि आकाश में तो एक भी बादल नहीं है स्टार्स चमक रहे हैं क्लियरली फिर भी बारिश ये कैसी बात है देन अनदर ड्रॉप फेल वो सोच ही रहा था बच्चों फिर एक और पानी की बूंद उसके ऊपर आकर गिरी वॉट इज द यूज ऑफ अ स्टेचू इफ इट कैनोट कीप द रेन ऑफ

और वो क्या देखता है ऊपर अजीब सी चीज द आइज ऑफ दिंस बच्चों हैप्पी प्रिंस जो, जो हंसता खेलता राजकुमार था उसकी आंखों में आंसू थे एंड टीयर्स रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स और उसके गोल्डन सोने से बने हुए चीक्स गालों के ऊपर भी जो टीयर्स थे वो रन कर रहे थे His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. उसका चेहरा चमक रहा था बच्चों हैप्पी प्रिंस का चंद्रमा वाली रात के अंदर की जो लिटल स्वालो था वो भी पिटी से भर गया पिटी मीन्स फीलिंग ऑफ सोरो उसे दुख हो रहा था कि ये हैप्पी प्रिंस क्यों रो रहा है हु आर यू ही सेड और फिर उसने पूछा तुम कौन हो आई एम द हैप्पी प्रिंस और बच्चों स्टैचू ने रिप्लाई किया मैं हूँ हैप्पी प्रिंस

जब मेरे अंदर ह्यूमन हार्ट था मनुष्य का हृदय था तब मुझे नहीं पता था ये आंसू क्या होते हैं मैं पैलेस में रहता था राजमहल में रहता था वहाँ पर सोरो अंदर आ भी नहीं सकता था दुख अंदर आ भी नहीं सकता था माई called कॉल मी happy प्रिंस Courtiers मीन्स राज दरबारी मेरे राज दरबारी मुझे बुलाते थे हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इन डीड आई वॉज और मैं था भी खुश सो आई लिव एंड सो आई तो मैं जिया भी खुश और मैं मरा भी खुश ये देखिए बच्चों क्राइंग इन एम डेड ugliness एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी अब वो कहता है आगे स्टेचू कि अब जब मैं मर चुका हूं तो उन, उन्होंने मुझे इतना ऊंचा यहां पर खड़ा कर दिया है ताकि मैं देख सकूँ इस सिटी की मेरे शहर की अग्लीनेस अन attractive चीजें भद्दी चीजें एंड misery misery means unfortunate condition दुख दर्द एंड though my heart is made of lead yet i cannot choose but weep और मेरा यद्यपि मेरा हृदय जो है वो लेड का सीसे के धातु का बना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता मैं रोता हूँ, मेरे सिटी के अंदर जो लोग हैं उनकी दुखी हालात को देखकर व्हाट इस ही नोट सोलिट दू हिम सेल्फ ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स अब बच्चों सवालों ने पूछा क्या तुम्हारा दिल नहीं बना सॉलिड गोल्ड का प्योर गोल्ड का वो कोई पोलाइटली उसने ये बात कही विनम्रतापूर्वक कही कोई पर्सनल रिमार्क वो नहीं करना चाहता था कहा दूर बहुत दूर एक पतली सी गली है उसके अंदर एक गरीब घर गर है विंडोज इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अमन सीटेड एट अ टेबल उस घर की खिड़की खुली है और वहां पर मैं देख पा रहा हूं एक औरत को जो एक टेबल के ऊपर बैठी है हर फेस इज थिन एंड वॉन उसका चेहरा पतला है वॉन है मतलब थका हुआ है एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड्स और उसके जो हाथ हैं वो रफ है लाल रंग के हो चुके हैं ऑल प्रिक बाय द नीडल सुई लगी हुई है उसके हाथों के अंदर इसलिए उसके हाथ लाल लाल और खुड़दरे हो चुके हैं फोर शी इज अमेस्ट्रस बच्चों सिमेस्ट्रस क्या होता है मेड टेलर ठीक है दर्जन जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सेटन गाउन फॉर द लवलीएस्ट ऑफ़ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर टू वीअर एट द नेक्स्ट कोर्ट बोल वो बच्चों एम्ब्रॉयडरी कर रही है वो फ्लावर्स बना रही है सेटन के गाउन पे एक बहुत ही सॉफ्ट से कपड़े के गाउन के ऊपर सुंदर सुंदर फूलों को की कढ़ाई कर रही है और वो किसके लिए कर रही है क्वीन्स मेड ऑफ ऑनर जो बच्चों लेडी इन अटेंडेंस अप ऑन अ क्वीन ऑफ अ प्रिंसेस और अ क्वीन परिचारिका बोलते हैं हिंदी के अंदर तो वहां पर उस परिचारिका को ये गाउन पहनना है उस पर सुंदर सुंदर फूलों की वो कढ़ाई कर रही है अगले दिन कोर्ट बॉल बॉल डांस पार्टी है इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग बेड के ऊपर कॉर्नर के ऊपर उसी कमरे के अंदर उसका छोटा सा बेटा इल है बीमार है He has a fever and is asking his mother to give him oranges. उसे बुखार है और वो अपनी माँ से बार बार oranges मांग रहा है संतरे मांग रहा है so he is crying. उसकी माँ के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है केवल नदी का पानी है और इसलिए वो बच्चा लगातार रो रहा है Swallow, swallow, little swallow. विल यू नोट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हेल्ट माई फीट आर फास्ट टू द पेडिस्टल एंड आई कैनोट मूव अब बच्चों प्रिंस जो है, हैपी प्रिंस वो रिक्वेस्ट कर रहा है इस वालों से प्यारी सवालो छोटी सवालो क्या तुम मेरा एक काम करोगी मेरी जो स्वॉर्ड है तलवार है उसके हिल्ट हैंडल के अंदर जो लाल रंग की रूबी लगी हुई है तुम ये ले जाओ और उसको जो सीमेस्ट्रस है जो मेड टेलर है उसे दे दो माई फीट आर फास्टर्न फास्टर्न मीन्स फॉर्मली अटैच जुड़े हुए हैं पेडिस्टल के ऊपर इस बेस के ऊपर इस कॉलम के ऊपर एंड आई कैन नॉट मूव मैं तो हिल नहीं सकता सो हेल्प मी आउट गिव द गिव माई रूबी टू दैट पर्टिकुलर सेमेस्टर्स तो बच्चों देखिए कैब कैसे हैप्पी प्रिंस ने अब हेल्प करनी शुरू की है लोगों की मुझे तो इजिप्ट जाना है मेरे दोस्त मेरी वेट कर रहे हैं वहां पर वो उड़ रहे हैं नाइल यानी कि नील नदी के ऊपर और बड़े बड़े कमल के फूलों से बात कर रहे हैं सोन दे विल गो टू स्लीप और जल्दी वो सो जाएंगे द प्रिंस आज दस फॉलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर द बॉय इज़ सो थर्सटी एंड द मदर सो सैड ही सैड अब बचो प्रिंस ने उसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ फॉलो एक रात के लिए मेरे पास रुक जाओ मेरे मैसेंजर बन जाओ मेरे संदेशवाहक बन जाओ वो लड़का बहुत प्यासा है और वो माँ बहुत उदास है आई like boys. आंसर द swallow. आई want टू गो टू इजिप्ट अब स्वालो ने जवाब दिया मुझे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वैसे भी मुझे इजिप्ट जाना है बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड swallow was सॉरी It is very cold here, he said. But he agreed to stay with him for one night and be his messenger. अब uh, वो बच्चों Happy Prince बहुत ही उदास दिखने लगा उस वालों के इस बात के ऊपर और उस वालों बेचारे उसके ऊपर सॉरी फील कर रही थी खेत प्रकट कर रही थी फिर उस वालों ने कहा यह बहुत कोल्ड है ठंड बहुत है लेकिन ठीक है एक रात के लिए I will be your messenger. ठीक है तुम जो कह रहे हो मैं एक रात क्लिक करूंगी थैंक यू लिटल स्वालो सेट द प्रिंस अब प्रिंस ने कहा थैंक यू लिटल स्वालो The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. Tobacho swallow ne वो लाल रंग की बड़ी सी रूबी निकाल ली प्रिंस की के स्वॉर्ड अंदर से और उड़ गई अपनी बीक में अपनी चोंच में लेकर रूफ्स ऑफ द टाउन शहर के रूफ्स के ऊपर से घरों के छतों के ऊपर से ही पास बाय द कैथेड्रल टॉवर अब उसने क्या क्या, -क्या पास किया गिरजाघर का चर्च का टॉवर मीनार को पास किया विद वाइट मार्बल एंजल्स फॉर स्कल्प एंजल्स बच्चों देवदूत मैसेंजर फ्रॉम द गोड जिनकी वहां पर सफेद मार्बल के अंदर एंजल्स की मूर्तियां स्कल्प Third, काव की गई थी, गई थी, थी। बनाई केम आउट ऑन द विद हर लवर बच्चों फिर उसने राजमहल के ऊपर की छत से वहां से उड़ान भरी उसे वहां पर डांसिंग डांस करने की आवाज आई एक सुंदर सी लड़की बालकनी में अपने लवर के पास साथ आई और बोली आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल शी सेट आई हैव है फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडरीड ऑन इट बट द दिमेस्ट्रेस आर सो लेजी अब वो कहती है वो लेडी अपने लवर को कि मैंने ना सीमेस्ट्रेस को एक मेड टेलर को दे रखी है अपनी गाउन के ऊपर फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी करने के लिए कढ़ाई करने के लिए काश मेरी जो ड्रेस है वो स्टेट बॉल तक रेडी हो जाए लेकिन ये जो मेड टेलर होते ना बड़ी लेजी हैं बड़ी आलसी हैं वो काम टाइम पर नहीं करके देती और देखा टंगे हुए थे शिप की मास्ट के ऊपर शिप का जो बच्चों पर्दा होता है ना उसके ऊपर एट लास्ट ही केम टू दुअर वाउस एंड लुक्ड इन और फाइनली बच्चों उस गरीब के घर वो आ चुका है और अंदर देखता है द बॉय वॉज टॉसिंग फिवरशली

टेबल पर बिसाइड मी, साइड में जो वुमन के थिंबल थिंबल क्या होता है बच्चों अ स्मॉल मेटल कैप टू प्रोटेक्ट फिंगर वाइल्स यूंग बुनते वक्त अपनी आ, आ, जो फिंगर्स हैं उनको बचाने के लिए मेटल कैप का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं थिम्बल वहां पर उसके पास रूबी को रख दिया देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फेनिंग द बॉयज़ फोर हेड विद हिज बिंग्स और बच्चों फिर वो बहुत ही प्यार से बेड के पास गया उस लड़के के फोर हेड पर सिर पर उसने फैनिंग हवा की अपने पंखों से हा कूल आई फील सेट द बॉय लड़के ने कहा मुझे कितना अच्छा लग रहा है ठंडक महसूस हो रही है आई मस्ट बी गेटिंग बैटर मैं ठीक हो जाऊँगा एंड ही सेंक इन टू अ डिलीशियस लम्बर और वो बहुत ही स्वीट स्लीप में प्यारी सी नींद में खो गया यानी कि वो सो गया then the the swallow flew back to the happy prince and told him what he he had done it it is is curious he remarked but i feel quite warm now although it is so cold uh, बच्चों से ने वो काम कर कर वापस हैप्पी प्रिंस के पास वो चला गया बोला कितनी अजीब बात है मैंने तुम्हारा काम कर दिया कितनी ठंड है लेकिन फिर भी मुझे गर्मी महसूस हो रही है

वेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू दैप्पी प्रिंस जब आकाश में मून आ गया वो उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास गया है इजिप्त आई एम जस्ट स्टार्टिंग में जा रहा हूँ इजिप्त क्या तुम्हें वहाँ पर कोई कमीशन है कोई वर्क है कोई असाइनमेंट है प्रिंस विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर अब प्रिंस कहता है लिटिल स्वालो क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुक जाओगे प्लीज आई एम वेटिंग फॉर इन इजिप्त आंसर द स्वालो मेरी इजिप्त में वेट हो रही है सवालो ने कहा स्वालो स्वालो लिटिल the, the city, I see a young man in a garret. A prince ने कहा लिटिल स्वालो देखो दूर शहर के बीच मुझे दिखाई दे रहा है एक यंग व्यक्ति गैरट के ऊपर गैरट होता है बच्चों एटिक ऊपर वाला कमरा ए डबल टी आई सी ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर वो लेटा हुआ है एक डेस्क के ऊपर सर करके और वो डेस्क भरा हुआ है पेपर से एंड इन द ग्लास बाई साइड देर इज अ बंच ऑफ विदाउट वॉयलेट्स और उसके पास में एक ग्लास का वास रखा है और उसके अंदर कुछ मुरझाए हुए वॉयलेट के फूल रखे हैं हिज हेयर इज ब्राउन उसके बाल हैं भूरे एंड क्रिप्स कर्ली एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमिक ग्रेनेट और उसके लिप्स इतने लाल है जितने की अनार के दाने एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज और उसकी आंखें बड़ी बड़ी है और स्वप्न लेने वाली है ही ड्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनिमो देर इज़ नो फायर इन द ग्रेट एन हंगर हैज़ मेड हिम फेंट उसे बच्चों एक डायरेक्टर के लिए थिएटर के लिए एक नाटक लिखना था प्ले लिखना था लेकिन बहुत ठंड थी तो वो लिख नहीं पा रहा था और उसके ग्रेट में फायर प्लेस में कोई आग भी नहीं थी उसे ठंड लग रही थी और वो भूखा भी था जिसकी वजह से वो फेंट बेहोश हो गया था आई विल वेट विद यू वन आइट लॉन्गर सेट द स्वाल हू रियली हैड गुड हार्ट ही आज इफ़ ही शुड टेक एनी रूबी टू द यंग

थाउजेंड ईयर्स अगो हजारों साल पहले ये इंडिया से लाया गया था ही ऑर्डर द स्वालो टू प्लक आउट वन ऑफ दैम एंड टेक इट टू द प्ले उसने ऑर्डर किया स्वालो को कि एक उसकी आँख यानी कि एक सफायर नीलम निकाल ले और उस प्ले को दे दे He will sell it to the jeweler and buy firewood. वो उसे सुनार को बेच देगा और firewood का प्रबंध हो जाएगा और वो अपना नाटक भी फिनिश कर लेगा He said, "Dear prince, the swallow,

ऊपर वाले कमरे के लिए इट वॉज इजी इनफ टू गेट इन एज इन द कमरे में जाना क्योंकि छत में एक होल था छेद था। Through this, he darted and came into the room. उससे वो रश किया अंदर की ओर और, और कमरे में आ गया यंग मैन हैड हिज हैड बेरीड इन हिज हैंड्स आदमी अपने हाथों के अंदर अपना सर रखकर सोया हुआ था सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग इसलिए उसे आवाज नहीं आई उस पक्षी के पंखों के फड़फड़ाने की

मुरझाए हुए वॉयलेट के फूलों के पास एक सफायर एक नीलम रखा है जो चमक रहा है आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही अरे लोग मेरी प्रशंसा करने लगे हैं शायद किसी प्रशंसक ने मुझे ये सफायर दिया है नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक क्वाइट हैप्पी अब मैं अपना प्ले नाटक पूरा कर सकता हूँ और वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था द नेक्स्ट डे दस वालों फ्लू डाउन टू दाबर अब बच्चों अगला दिन आ गया है अब जो सवालो अबाबिल पक्षी है वो हाबर बंदरगाह के ऊपर उड़ चला है मास्ट ऑफ ए लार्ज बेसिल एंड एक बड़े से जहाज की मास्क के ऊपर जाकर बैठ गया है और नाविका को काम करता देख रहा है आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइट द स्वालो बट नो बडी माइंडेड एंड वेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू दैप्पी प्रिंस वहां पर जाकर वो चिल्लाया अरे अब मैं इजिप्ट जाऊंगा और जैसे ही वहां पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी रात हो गई चंद्रमा आ गया आकाश के अंदर वो हैप्पी प्रिंस के पास गया उस बाय करने के लिए आई कम टू बिट यू गुड क्राइड मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूं स्वालो ने कहा हैप्पी प्रिंस विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर क्या एक रात और नहीं रुक सकते तुम मेरे पास इट इज एंड on the इन palm इज and the एंड lie इन द mud एंड लुक lazily अबाउट them. अब वो कहता है यहाँ तो विंटर शुरू होने वाली है जल्दी snowfall भी शुरू हो जाएगा लेकिन मिस्र के अंदर सूरज चमक रहा है वहां पर हरे हरे पाम के पेड़ हैं और crocodiles मगरमच्छ वहां पर मठ के अंदर कीचड़ के अंदर आराम से लेजिली लेटे हुए हैं लेकिन हैप्पी प्रिंस ने कहा इन द स्क्वायर बिलो चोराहे के पास देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल एक मैच गर्ल है मैच गर्ल गर्ल हो सेल्स मैच बॉक्सेस जो माचिस के डब्बे बेच रही है वो लड़की शी है, है और सारी खराब हो गई हैं हर फादर वीट हर इफ शी ड्रिंग होम सम मनी उसके पिताजी उसे मारेंगे अगर वो घर कोई पैसा नहीं लेके गई एंड शी इज क्राइंग क्योंकि माचिस तो सारी खराब हो चुकी हैं कोई पैसा उसे नहीं मिलने वाला शी हेज नो शूज नो स्ट्रोकिंग ना तो उसके पास शूज हैं ना ही जुराबे हैं एंड

लिटल स्वेलो सैट द पुअर प्रिंस यू मस्ट गो इजिप्ट नहीं नहीं सवालो तुम इजिप्ट जाओ नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज द यूलो एंड ही स्लैप्ड एट द प्रिंसेस फीट नहीं नहीं मैं तो तुम्हारे पास ही रहूंगी और वो प्रिंस के पैरों के ऊपर जाकर सो गई ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंज शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वॉट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लेंडस तो बच्चों अगले दिन वो प्रिंस के शोल्डर पर बैठा रहा बबिल पक्षी और वहाँ पर स्टोरीज सुनाता रहा अलग अलग लैंड की दिए लिटल फेलो सेट द प्रिंस यू टेल मी ऑफ मार्वल्स थिंग्स बट मो मस दैन एनी थिंग इज सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन अब वो कहता है प्रिंस उसे कि सवालो तुमने मुझे शानदार कहानियाँ सुनाई लेकिन मुझे जो कहानियाँ सुननी है वो है सफरिंग्स की दुखों की कष्टों की मिजरीज की लोगों के men एंड women की मिजरीज की देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज़ मिजरी कोई भी रहस्य इतना बड़ा नहीं है जितने की मिजरी कष्ट दुख होते हैं फ्लाई ओवर माय सिटी लिटल्स वलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर मेरे शहर के ऊपर उड़ो लिटल्स वलो और मुझे बताओ तुम्हें वहां पर क्या दिख रहा है सो द स्वलो flew over the great city and saw the rich मेकिंग मैरी इन हाउस वाइल ब्यूटिफुलगर्स फॉर सिटिंग एट द गेट्स बच्चों वो शहर के ऊपर उड़ा बाबिल पक्षी उसने दिखा जो अमीर है वो तो खुश हैं मैरी हैं हैप्पी हैं उनके सुंदर सुंदर घर हैं लेकिन जो बैगर्स हैं भिखारी हैं वो गेट्स के ऊपर बैठे हैं हे फ्लो इन टू द डार्क लेंस वो डार्क uh, अंधकार भरी ले गलियों में गया एंड सो देखे उसने बच्चों के जो भूखे मर रहे थे लुकिंग देखे जा रहे थे लगातार उन काली गलियों को अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज इन ईच अदर आर्म्स टू ट्राई टू की उसने क्या देखा जो ब्रिज के नीचे जो पैसेज बना होता है रास्ता वहां पर दो लड़के बैठे हैं उन्होंने एक दूसरे को अपनी बाहों में रखा है ताकि वो ठंड से अपने आप को बच

फिर वो बच्चों अबाबिल पक्षी उड़कर गया और प्रिंस को उसने सारी बात बता दी जो भी उसने देखा था आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेट द प्रिंस यू मस्ट टेक इट ऑफ लीव बाई लीव एंड गिव इट टू द पुअर द लिविंग ऑलवेज थिंक द गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी अब वो कहता है बच्चों प्रिंस मैं पूरा सोने का बना हुआ हूँ सोने की लीव्स लगी हुई हैं मेरे ऊपर तुम धीरे धीरे करके उन्हें उतारो और उन गरीबों को दे दो क्योंकि जो जीवित मनुष्य होते हैं वो ये सोचते हैं कि सोना उन्हें खुश कर सकता है उनके दुख दर्द का इलाज है पैसा लीफ आफ्टर लीव ऑफ द फाइन गोल्ड द सवालो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे तो बच्चों परत दर परत उस गोल्ड की सवालों ने निकाल ली और गरीबों को दे दी अब हैप्पी प्रिंस काफ़ी डल डल मीन्स नॉट ब्राइट नोट अट्रेक्टिव और ग्रे स्लेटी से रंग का लग रहा था सुंदर नहीं लग रहा था लीफ आफ्टर लीफ

स्नो के बाद आया पाला, बहुत ज्यादा ठंड पड़ी दीटर सफेद हो गई सारी गलिया इतना स्नो फॉल हुआ एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स ने अपने अपने, अपने गर्म कपड़े पहन लिए एंड लिटल बॉयज व स्कॉलेट कैप्स और छोटे छोटे लड़कों ने डार्क रेड कलर की कैप्स पहन ली एंड स्केटेड ऑन आइस और वो आइस पर स्केटिंग करने लगे the poor little swallow grew colder and colder but he would not leave the prince बहुत ठंड हो रही थी स्वालो को बहुत ठंड लग रही थी लेकिन उसने हैप्पी प्रिंस को नहीं छोड़ा he loved him to wellbow उसे बहुत प्यार करता था he picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings बच्चों बेकर जो जो ब्रेड बनाते हैं ना उनको कहते हैं बेकर उनके दुकान के बाहर जो ब्रेड के टुकड़े पड़ जाते थे वो उसे खाता था छुपकर जब बेकर ना देख रहा हो और अपने आप को गर्म रखने के

उसके शोल्डर पर जाकर बैठ गया और बोला गुड बाय डियर प्रिंस और वो बुदबुदाया क्या मैं तुम्हारे हाथ को किस कर लू आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट फॉलो सेड द प्रिंस मैं बहुत खुश हूँ हैप्पी प्रिंस बोला फाइनली तुम अपने दोस्तों के साथ इजिप्ट जा रहे हो यू हैव have... स्टे टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू तुम मेरे साथ बहुत दिन रहे लेकिन मेरे हाथ पे नहीं मेरे लिप्स पर किस करो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ आई लव यू सो मच सवालो हैप्पी प्रिंस ने कहा इट इज नॉट टू इजिप्ट देट आई एम गोइंग सेट द सवालो आई एम गोइंग टू दाउस ऑफ डैथ डेथ इज अ ब्रदर ऑफ स्लीप इज ही नॉट अब बच्चों अच्छा सवालों ने कहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा मैं तो मृत्यु के घर जा रहा हूँ मृत्यु जो कि भाई है स्लीप का क्या नहीं है वो एंड किस हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज स्पीड तो बच्चों उसने फटाफट उसके लिप्स पर किस किया और वो उसके पैरों पर गिर गया और वो मर गया एट दैट मोमेंट क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू और उस समय एक बहुत ही अजीब सा क्रैक टूटने की आवाज आई स्टैचू के अंदर से एज इफ ब्रोकन जैसे कुछ टूट गया हो उसके अंदर द फैक्ट इज दैट द लेटन हार्ट हैड स्नैप्राइट इन टू टू जो शीशे का दिल था ना हैप्पी प्रिंस का वो दो टुकड़ों में टूट गया था बच्चों इट सटेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड प्रोस्ट और जो है ड्रेडफुली मीन्स फियरफुली हार्ड जमा देने वाला पाला था अर्ली

How shabby indeed! cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and then they went up to look at it. तो बच्चों वो काउंसलर तो हमेशा हा में हाँ मिलाते थे मेयर की उन्होंने कहा हाँ बहुत भद्दा दिख रहा है बहुत बैड कंडीशन में है द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिस्वॉड हिज आईज आर गॉन एंड ही इज नो लॉन्गर गोल्डन सेट द मेयर इनफैक्ट ही इज लिटल बैटर देन अ बैगर कहता है कि उसकी रूबी भी गिर चुकी है उसकी स्वॉर्ड से आंखें भी जा चुकी हैं सोना भी नहीं रहा ये तो बहुत ही गंदा लग रहा है केवल बैगर बैगर के जैसा भिखारी के जैसा प्रतीत हो रहा है लिटिल बेटर टाउन काउंसलर्स और उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट ही स्पीड कंटिन्यूड मेयर अरे उसके पैरों के पास तो एक मरा हुआ पक्षी भी पड़ा है वी मस्ट रियलीश्यू अब प्रोक्लामेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर एंड द टाउन क्लॉर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन और बच्चों फिर उसने घोषणा की कि बर्ड्स को यहाँ पर अलाउड नहीं है कि वो स्टैचू के नीचे आके मर जाए और टाउन के जो मुंशी थे उसने उस सजेशन को सुझाव को नोट कर लिया पुल डाउन द स्टेचू ऑफ द हैपी प्रिंस पुल डाउन मीन डिमोलिश हटा दिया गया वहां से स्टैचू हैपी प्रिंस का एज इज नो लॉन्ग अज नो लॉन्गर यूजफुलर्सिटी यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने कहा अब वो सुंदर नहीं था इसलिए वो यूजफुल भी नहीं था इसलिए उस स्टैचू को वहां से पुल डाउन कर दिया गया देन दे मेल्ट स्टैचू इनस बच्चों फिर पिघलाया गया उस मूर्ति को फर्नेस के अंदर धोखनी के अंदर वो स्ट्रेंज थिंग कितनी अजीब बात है सेट द ओवर सीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड उंड्री फाउंड्री क्या होती है बच्चों प्लेस वे मेल्ट मेटल इज मेल्टेड ठीक है जहां पर मेल्ट मेटल को पिघलाया जाता है वहां पर एक वर्कमैन के ऊपर नजर रखने वाले व्यक्ति ने कहा कितनी अजीब बात है दिस ब्रोकन लेट हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस ये शीशे का दिल मेल्ट ही नहीं हो रहा धोखने के अंदर वी मस्ट थ्रो इट अवे हमें इसे फेंकना पड़ेगा सो दे थ्रो इट ऑन अ डस्ट हीप एक मिट्टी के ढेर के ऊपर बच्चों उस हैप्पी प्रिंस के दिल को फेंक दिया गया वेर द डेड फैलो वॉज ऑल्सो लाइंग और वहीं पर बच्चों वो मृत फेलो की लाश भी पड़ी थी आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रिंग मी द टू मोस्ट स्पेशन से भगवान ने अपने एक देवदूत से कहा इस दुनिया की सबसे कीमती दो चीजें लाकर मुझे दो एंड द एंजल दार्ट एंड द डेड बर्ड और पता है उस देवदूत ने क्या लाकर दिया हैपी प्रिंस का वो शीशे का बना हुआ दिल और वो सवालो की डेड बॉडी यू हैव राइटली चोजन सेट गोड फॉर इन माई गार्डन ऑफ पेराडाइज दिस लिटल बर्ड शेल सिंह फॉर एवर More, and in my city of gold the happy prince shall praise me. ऑस्कवाइल और बच्चों फिर भगवान ने उस एंजल का जवाब दिया तुमने बिल्कुल ठीक चीज़ें चुनी है मेरे गार्डन ऑफ पैराडाइज में मेरे स्वर्ग के बगीचे में ये छोटा पक्षी हमेशा गाता रहेगा इटर्निटी तक और मेरे सिटी ऑफ गोल्ड मेरा जो सोने का शहर है वहाँ पर हैप्पी प्रिंस मेरी हमेशा प्रशंसा करेगा तो बच्चों भगवान ने भी उन लोगों को चुना सबसे मोस्ट प्रेशियस चीज़ों के रूप में जिन्होंने औरों की मदद की जिन्होंने खुद अपनी जान की परवाह नहीं की दोनों के दोनों ही बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए इन इन ऑर्डर टू हेल्प अदर्स तो देखिए कितनी प्यारी स्टोरी थी आई होप बहुत अच्छी लगी होगी आपको मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगती है हमेशा और आपने भी फील किया होगा माई आइजा वेट नाउ सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा लेक्चरर इन इंग्लिश गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बर्नाला ब्लॉक बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट झज्जर सी यू इन नेक्स्ट वीडियो